हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक नारा फेमस हो रहा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये नारा सही है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे नारों का हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। फिर हम लोग समझेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी नेगेटिविटी से अगर वो हमारे समाज को जाने अनजाने कमज़ोर कर रहे हैं तो उससे कैसे अपने परिवार, खुद और अपने समाज को कैसे बचाएं। और आखिरी में हम बात करेंगे कि महिलाएं स्वयं को कैसे मजबूत करें। वैसे तो महिलाएं वैसे ही बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये भ्रम है या कोई समझना चाहता है, क्योंकि इसके आसपास बहुत कुछ चलता है जो जिसका हमारे समाज पे गलत असर पड़ रहा है और पड़ता है, तो कैसे हम लोग एक्चुअल में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर पाएं। फीमेल के लिए ये इशू नहीं है कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, उनके जो स्ट्रेंथ है वो कैसे ना घटाएं, कौन सी गलती ना करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये स्पेशली डेडिकेटेड है हमारी रेस्पेक्टेड फीमेल्स को, वुमेन्स को, जिनका हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत अहम रोल है। और उनकी समझ, उनकी जानकारी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी विजडम हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट, मैं अपने पिछले 12 साल के अनुभवों से मैं आपको इस टॉपिक पे बेस्ट इंसाइट देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या ये नारा सही है। नारा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि लड़ना किससे है, दुश्मन कौन है। इसमें पूरा जो जोर दिया गया है फीमेल पे, फेमिनिन पे जोर दिया गया है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेल आपके दुश्मन है, मेल से लड़ो। और हमें ये समझना होगा कि जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग नहीं है। जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे जो समाज की जो संरचना है, ये बहुत एक वाहियात सोच है। किससे लड़ना है आपको? पुरुष से लड़ना है, अपने पति से लड़ना है, अपने पिता से लड़ना है, किससे लड़ना है आपको? सबसे पहले हमें ये समझना है। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में जोश आता है, और हमें सुनने में जोश लगे, जोश आए, अच्छा लगे, हमारे इन्हीं सब इमोशंस का घटिया नेता फायदा उठाते हैं, सदियों से उठाते आ रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हमें समझना है, क्या हमारे देश पे कोई आक्रमण हो रहा है? क्या हमारे समाज के पुरुष नपुंसक हो गए हैं? तो अगर कोई भी सोच आ रही है, भले वो मोटिवेशनल हो, हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ पर असर डालती है। हर मोटिवेशनल बात बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है, और अगर लड़ना है तो स्त्री को ही क्यों लड़ना है, पुरुष क्या करेंगे। हमारा समाज दुनिया का इकलौता ऐसा समाज है, अगर हम भारतीय समाज की बात करें या हिंदू समाज की बात करें, इसने दोनों मेल को और फीमेल को उनकी बायोलॉजी के अनुसार, उनकी शक्तियों के अनुसार उनको जिम्मेदारी बांटी गई है, ताकि वो दोनों अपने बायोलॉजी का, अपने एनर्जी का बेस्ट यूज़ कर पाएँ। और दोनों आपस में अलग बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को लगता है, किसी पुरुष को लगता है कि महिला अलग है, महिला को लगता है कि पुरुष अलग है, तो इससे बड़ी कोई स्टुपिडिटी नहीं हो सकती। और ये हमारे समाज की संरचना में ये बहुत हाईली एम्बेडेड है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, हमारे इमोशन उसको एक्शन में बदलने का काम करते हैं। तो जब आपके अंदर ये भावना आएगी ना कि मैं लड़की हूँ, अब वो तो जो फीमेल है वो तो है, ये तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि मैं लड़की हूँ। अब जो नेक्स्ट थॉट जा रही है ना, मैं लड़ सकती हूँ, तो अब ना ये एक्शन में आएगा। अब आपके आसपास कौन है, आप अपने परिवार में कलह करोगे, आपको पता नहीं चलेगा, छोटी छोटी बातों में ना ये चीज़ आपके ना एक्शन को ड्राइव करेगी। तो इससे हमारे समाज, परिवार की खुशी कोई बढ़ने वाली नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि कोई पॉलिटिशियन नारा दे रहा है तो उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमारे समाज को, परिवार को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये और कलह का कारण बनेगा। क्योंकि आपके माइंड में ना रेगुलर एक थॉट जा रही है कि मैं लड़ सकती हूँ, तो मैं जब लड़ सकती हूँ तो मैं क्यों झुकूँ, क्यों दबूँ, मैं लड़ूँ क्यों नहीं। हमें इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम अपनी, वैसे ही हम लोग जैसे टाइम से चल रहे हैं वैसे ही बहुत परेशानी है, और परेशानी हम अपने घर परिवार समाज की बढ़ा लेंगे। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिशियन से बचे कैसे।
आपको मेरी बात से हो सकता है लग रहा हो कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट या अपोज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरे पॉलिटिशियन जो कास्ट है, क्लास है, पूरी उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियन से बचे कैसे। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिशियन से बचना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे इमोशनल ब्रेन पे अटैक करते हैं। हमारे एक दो ब्रेन होते हैं, एक हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, एक हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। लॉजिकल ब्रेन जो लॉजिकल सोचता है, लॉजिकली सोचता है, जैसे आपको कुछ खरीदना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग लॉजिकल ब्रेन यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे इमोशनल ब्रेन का हिस्सा होता है, जैसे हमारा धर्म, हमारी कम्युनिटी, हमारा फीमेल होना, मेल होना, ये सब चीज़ें हमारे इमोशनल ब्रेन में होते हैं। इसी वजह से आप देखना, हमेशा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इमोशनल मुद्दे को उठाते हैं, और जहाँ जैसे ही कोई इमोशनल बात आती है, हमारा लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में पहले हमारे इमोशनल ब्रेन में जाती है, उसके बाद ही हमारे लॉजिकल ब्रेन में आती है। तो जो इमोशनल इश्यूज होते हैं वहाँ पे, जैसे ही वो इशू रेज होते हैं, हमारा लॉजिकल ब्रेन तक वो जाता ही नहीं है। हम लोग इमोशनली हुक्ड हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उसको मानने को हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और इसको हमें समझना होगा, इसका समाधान हमें निकालना होगा। इसका बस एक ही समाधान है कि जब तक हमारे समाज में बहुत अच्छे क्वालिटी के पॉलिटिशियन ना आए, तब तक हम उनको मुख्य धारा में जोड़ के देखें ही ना, उनको इग्नोर करें। जैसे जो समाज के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। जो बेगर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। तो ठीक उसी तरीके से जब तक बहुत अच्छे लेवल का कोई पॉलिटिशियन ना आए, जो जिसकी सोच बहुत अच्छी हो, जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो, जिसका सब कुछ अच्छा हो, जिसका विज़न अच्छा हो, तब तक हम लोग इनको इग्नोर करें। जो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसमें इनको कंसीडर ही ना करें। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मीडिया है, जो हम लोग घर में टीवी देखते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग की लाइफ में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी सोसाइटी की लाइफ को बढ़ाना है, अपने आगे आने वाली जनरेशन की हैप्पीनेस को इंश्योर करना है, तो हम लोग को अपने थिंकिंग को, अपने बिहेवियर को इस तरीके से टेलर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम लोग की लाइफ को ऐसे ही पॉल्यूट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करें, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। और बहुत बहुत थैंक यू।